हमने चर्चा की कि एजुकेशन को लेकर के किस तरह की तैयारी है हिमाचल में, क्या कुछ बदलाव एजुकेशन को लेकर किया जा रहा है, और इसके बाद अब हम आगे बढ़ेंगे अपने सेशन की ओर, जहां हम जानेंगे कि कलाकारों के लिए कितना संघर्षपूर्ण उनका जीवन होता है, क्या कुछ कला के क्षेत्र में बेहतरीन हो रहा है, क्या कुछ कला के क्षेत्र में बदलाव की जरूरत है, इसके बारे में हम जानेंगे। और अगला सेशन हमारा इसी पर आधारित रहने वाला है, तो मैं स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगी कुलदीप शर्मा जी, जो कि नाट्य किंग हैं, और हमारे साथ गुर इकबाल सिंह मौजूद हैं, जो कि एक एक्टर हैं। आप दोनों प्लीज स्टेज पर आएं और इस सेशन को होस्ट करेंगी मेरी सहयोगी सोनाली नेगी। सोनाली, आप भी प्लीज स्टेज पर आएं और जोरदार तालियों से इनका स्वागत करेंगे। तालियों की गड़गड़ाहट कम नहीं होनी चाहिए, किस बात की एनर्जी कम है, अभी तो शुरुआत हुआ है सेशन का और ये तो काफी ज्यादा, क्योंकि एंटरटेनमेंट का ये सेशन है तो हम सभी से जुड़ा हुआ ये सेशन रहने वाला है। तो प्लीज एक बार फिर से आप सभी ताली बजाएं और ये तालियां काफी जोरों से बजाएं, जो लोग नहीं बजा पा रहे प्लीज, और ताली बजाना तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भी होता है, ताकि हमारे हेल्थ के लिए भी, ब्लड सर्कुलेशन के लिए काफी अच्छा होता है। तो चलिए सोनाली, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सीमा। जैसा कि सीमा ने कहा कि कलाकार, उनका जीवन, उनकी लाइफ का स्ट्रगल, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और सबसे पहले बात की जाए हिमाचल की, तो नाट्य किंग मुझे लगता है किसी पहचान के मोहताज नहीं है। और सबसे प्यारी बात और ख़ास बात ये कि अपनी धर्म भूमि को ही अपनी कर्म भूमि बनाया और यहीं पर काम कर रहे हैं। एक बार ज़ोरदार तालियां कुलदीप शर्मा जी के लिए। और इस सेशन में हमारे साथ जुड़े हैं गुर इकबाल सिंह। वेल, नाम पंजाबी, और आप सोच रहे होंगे कि हिमाचल में कैसे पहरावे से पता चलता है, इस बारे में भी चर्चा करेंगे। एक बार ज़ोरदार तालियां गुर इकबाल जी के लिए। सबसे पहले नाट्य किंग कुलदीप शर्मा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ इस मंच में जुड़े। वेल, इंडिया न्यूज़ हमेशा ही कोशिश करता है कि हर एक स्टेट में जाके लोगों के मुद्दे सुने जाए और विचार किया जाए, चर्चा की जाए। सबसे पहले आपका स्वागत है और पहला सवाल आपसे ये कि बहुत बड़ी बात है, जहाँ पर हम हिमाचल की बात करते हैं तो बहुत बड़े कलाकार हुए हैं जो, जिनकी धर्म भूमि तो हिमाचल है पर कर्म भूमि उन्होंने कोई और जो है चूज की है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ बिल्कुल जी, पहले तो मैं इंडिया न्यूज़ के सभी श्रोताओं को नमन करता हूँ और यही कहना चाहूँगा कि मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैं हिमाचल प्रदेश में पैदा हुआ हूँ और उसी की वजह से ये कर्म भूमि भी और जन्म भूमि भी है। मैं यही परमात्मा से अरदास करता हूँ कि जब अगर दोबारा जन्म मिले, उसका तो परमात्मा को पता है क्या जन्म मिलता है, अगर दोबारा मुझे जन्म मिलता है तो मुझे मेरी हिमाचल की माटी में ही जन्म मिले और मैं कलाकार ही बनूं। क्या बात, एक बार जोरदार तालियां, मुझे लगता है तालियां नहीं रुकनी चाहिए। उसके बाद गुर इकबाल जी, आपसे बात की जाए, मुझे लगता है आपकी तो लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे कहानी सुनने का, पहरावा पंजाबी और नाम पंजाबी पर हिमाचल में कैसे, इस देवभूमि में कैसे। और बहुत ज़ोरों शोरों से हम सोशल मीडिया पर देखते हैं कि ये हिमाचली कल्चर को प्रमोट करते हैं, आप ही अपने बारे में बताएं प्लीज़। तो सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं पंजाब से हूँ और जैसे कि वेशभूषा लग ही रहा है आपको कि मैं पंजाब से हूँ, बट मुझे देवभूमि से बहुत ज़्यादा प्यार था हमेशा से, क्योंकि हम लोग गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ते हैं जो हमारी होली बुक है, तो उसमें भी कम से कम 2600 से ज़्यादा बार राम भगवान का नाम आता है और उसमें हर जगह पर राम भगवान, कृष्ण भगवान सब जगह लिखा गया है। तो वो मुझे कनेक्ट किया कि मैं अब इसे राम भगवान को सर्च करूँ, कृष्ण भगवान को सर्च करूँ कि ये क्यों है इसमें। तो फिर ऐसे ही करके फिर देवभूमि पंजाब से ही हिमाचल हुआ है, फिर देवभूमि में आया और फिर ये सारी सर्च करी और वो सर्च मतलब एक अट्रैक्शन में बदली और वो अट्रैक्शन ऐसी है कि आज तक ख़त्म ही नहीं हो रही है और मुझे नहीं पता कि कब ख़त्म होगी। तो देवभूमि बस ये प्यार जी, हम देखते हैं सोशल मीडिया पर, चाहे नाट्य हो या म्यूजिक हो, आप जोरों शोरों से प्रमोट कर रहे हैं। कितने सालों का सफर रहा है इस हिमाचली कल्चर को प्रमोट करते हुए? मैं 2016 से स्टार्ट किया था, सबसे पहले स्कूल में मतलब स्टार्ट किया ये, पहले हमारे जैसे स्कूल में आपको पता टूर्नामेंट्स होते हैं स्टेट नेशनल वगैरह वो लगाए, फिर उसके बाद मुझे ना यहाँ का जो म्यूजिक था वो बहुत अलग इसलिए लगा क्योंकि 12 स्टेट्स है और अलग अलग है, तो इसलिए वो जो अलग था वो अलग चीज़ बहुत भाग गई और उसको सीखने की चाह हुई और आज तक सीख ही रहा हूँ।
क्या बात है कुलदीप जी, क्योंकि आप सोशल मीडिया पे आप भी बहुत एक्टिव हैं, कभी गुरु इकबाल जी को देखा और इनसे कभी बातचीत हुई या पहली बार रूबरू हुए? बाकी इनकी रील्स वगैरह देखते हैं, तो आज मिलना तो पहली बार हुआ है और बहुत अच्छी बात है कि एक पंजाब का लड़का हमारे हिमाचल प्रदेश के कल्चर को प्रमोट कर रहा है। और मैं पिछले 10 सालों की अगर बात करूं तो हमारा जो हिमाचल का कल्चर है वो बहुत आगे जा रहा है। पहले क्या होता था कि आज से 15-20 साल पहले जो नाटियाँ थी हिमाचल की, वो उन नाटियों को हिमाचल से बाहर नहीं सुना जाता था। सिरमौर का गाना सिरमौर में ही था, सोलन का सोलन में ही था। तो मतलब ये पिछले 12-15 सालों में, अब आपको बताऊं कि पूरे देश में हिमाचली माटी की नाटी लोग सुनते हैं। और मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूं कि मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि मैं पहला एक सिंगर हूं नाटी गाने वाला हिमाचल की माटी की, कि मुझे दुबई में भी अपनी माटी की नाटी गाने का मौका मिला। जोरदार ताली। तो इससे बड़ी बात मेरी हिमाचल की माटी के लिए कोई नहीं हो सकती। आज से पहले क्या होता था कि पंजाबी सिंगर ही बाहर फॉरन में जाके शो करते थे, तो अब हो चुका है, शुरुआत हो चुकी है कि हिमाचल की माटी की नाटी गाने वाले भी अब विदेशों में जाके शो करेंगे। आज मैं गया हूँ, कल मेरे कोई और भाई जाएंगे। क्या बात है, ये बात बिल्कुल सही है कुलदीप जी। जैसे गुरु इकबाल जी एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि पंजाब से आके, पंजाब की इंडस्ट्री पीछे छोड़ के आप हिमाचली इंडस्ट्री में आए हैं, क्योंकि अगर पंजाबी गाने देखे जाए तो बॉलीवुड की एक भी फिल्म अधूरी मानी जाती है पंजाबी गाना अगर उसमें ना हो। पर कहीं ना कहीं आप ड्रॉबैक मानते हैं इस चीज़ को कि आपकी धर्म भूमि भी कर्म भूमि भी, पर ऐसे बहुत सारे लोग जिन्होंने धर्म भूमि छोड़ी और कर्म भूमि कोई और बनाई, कितना सही समझते हैं आप? हाँ बिल्कुल, ये बात है कि थोड़ा सा ये अच्छा नहीं लगता है कि जो हिमाचल से जो हमारे कलाकार निकले हैं वो ज़रूर हिमाचल के लिए कुछ करना चाहिए। अगर मैं हिमाचल की नाटियों की बात करूँ फिर थोड़ा सा मियाँ मिट्ठू वाली बात हो जाएगी। आज से 24 साल पहले मैंने एक फोक सॉन्ग यहाँ का गाया था, बांठणों चाले जातरे जातरे। उसके बाद उस गाने को सुखविंदर जी ने कुरुक्षेत्र फिल्म में वो गाया था, बांठणों का बन गया बंठन। तो मैं दो लाइनें, अगर इजाजत हो तो मैं दो लाइनें आपको सुनाता हूं, मेरे शब्द चीज कि मैंने किस तरह से गाया था और सुखविंदर जी ने कैसे उसको कन्वर्ट करके गाया। बांठणो चाली बोलो जातरे जातरे, बांठणो चाली बोलो जातरे, बंठन बांठणों का बन गया बंठन। बंठन चाली देखे है जाती रे जाती रे, बंठन चाली देखे है जाती रे, तिरछी नजरे नन कजरा रे, कहां से आई तू बा किनारे, कहां से आई तू बा किनारे, वे बंठन चली देखे है जाती रे जाती रे, बंठन चली देखे है जाती रे। तो हमारे गानों में जी हिमाचल की माटी की नाटी में इतना दम है कि वो वहाँ जाके भी हिट हो सकती है। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली एक और मानता हूँ कि एक फिल्म आई थी वन रक्षक, बहुत शिक्षाप्रद फिल्म है, सबको वो देखनी चाहिए, पवन शर्मा जी ने वो बनाई थी। उसमें मुझे हिमाचल प्रदेश की माटी की नाटी गाने का मौका मिला था और मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे जो 3-4 स्टेटों में जो प्यार मिलता है मैं खुश हूँ। मुझे बॉलीवुड में इच्छा नहीं कि मैं बॉलीवुड में जाऊं, जो प्यार बॉलीवुड के लोगों को वहां मिलता है वो मुझे हिमाचल के लोग, उत्तराखंड के लोग, 3-4 स्टेट के लोग वही प्यार मुझे यहाँ पे देते हैं। मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ। क्या बात है, सुना आप सबने कि मुझे बॉलीवुड में जाने की जरूरत नहीं है। वेल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब कुलदीप शर्मा जी हमारे हिमाचल में है, देवभूमि है, तो बॉलीवुड में जाने की क्या जरूरत है, बॉलीवुड वाले यहाँ आएंगे और आप शान है पंजाब हिमाचली कल्चर की। थैंक यू मैडम, थैंक यू। गुरु इकबाल जी, जैसे कि इन्होंने कहा कि बॉलीवुड में जाने की कोई इच्छा नहीं और आप अपनी पंजाबी इंडस्ट्री छोड़ के यहाँ पर आ गए, नो ऑफेंस, पर अगर मैं बात करूँ डिफरेंसेस की, क्योंकि पंजाबी इंडस्ट्री ने एकदम से बहुत बड़ा जो है टेक लिया है, बहुत अच्छे मुकाम पे पहुँच चुकी है और हम सब जानते हैं कि हिमाचली इंडस्ट्री एक इंसान के करने से नहीं होगा, एक यूनिटी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो आपको क्या लगता है कि लैकिंग्स क्या है हिमाचली इंडस्ट्री में? मैं सबसे पहले आपको चीज़ बताता हूँ, ये ना हमारा थोड़ा सा भ्रम है कि पंजाब में एक ही लैंग्वेज है, ऐसा नहीं है। भ्रम नहीं है पर हम देख पा रहे हैं क्योंकि पंजाबियों में यूनिटी बहुत है, या आप भी मानते हैं? ये तो है। अब जैसे हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या क्वेश्चन आता है कि पंजाब की लैंग्वेज ना एक जैसी और सब सुनते हैं, मतलब जैसे हम बोलेंगे हाँ भी की कर रहे हैं, अमृतसर चलेंगे हाँ भी की कर रहे हैं, बहुत अलग है। पर उन्होंने क्या किया, उन्होंने ना एक जोनर ऐसा बना दिया, मतलब सिंपल लैंग्वेज को जो सबको समझ आए,
उन्होंने देखा आज की डेट में जैसी पंजाबी है वो कौन नहीं समझता, सारे मतलब जिसको बोलनी भी नहीं आती है ना वो भी सुन रहा है, उसको समझ आ रहा है कि हाँ वो थोड़ा तुक्का लगा रहा है कुछ भी, वो सब कर रहे हैं। और मैं अपनी बात बताऊं तो कुलदीप भैया बड़े भैया है और मतलब बचपन से मतलब जो स्टार्टिंग में सॉन्ग सुने मैंने भैया के सुने, ये मेरे लिए लेजेंडरी सिंगर है मतलब, तो इनके सॉन्ग इसलिए समझ आते थे क्योंकि ये ना सीधे सीधे सॉन्ग्स गाते थे, मतलब उतनी टिपिकल नहीं होती थी उसमें, जो बहुत ज़्यादा टिपिकल होती ना वो भैया ने क्या किया, भैया ने सीधा सीधा करके मतलब उसको थोड़ा सा मतलब प्रेजेंट किया और वो चीज़ हमें समझ आई। हमारी चीज़ यही है, हमारे बारह डिस्ट्रिक्ट है और कुलदीप भैया को भी ये इस बात से एग्री कि हमारा कल्चर बारह का बहुत अलग अलग है, चंबा बिल्कुल ही अलग चले जाएंगे, भरमौर परे को मतलब चौहाड़ घाटी अलग चली जाएगी, कुल्लू में अगर आप लोकल में जाएंगे तो वो अलग आ जाएगा, किन्नौर लाहौल स्पीति तो बिल्कुल ही अलग लैंग्वेज है, तो उनको भी ऐसे ही अब जैसे आजकल के गाने हैं वो क्या कर रहे हैं उसमें हिंदी मिक्स कर रहे हैं थोड़ा सा, थोड़ी सी अपनी लैंग्वेज थोड़ी सी हिंदी, तो वो क्या हो गया वो सबको ईजी टू अप्रोच हो गया, और शायद यही कारण है कि ईजी टू अप्रोच अगर बन रहा है तो वो सब सुन रहे हैं, क्योंकि जब अगर वो टिपिकली लैंग्वेज में गाएंगे वो पहले तो समझाना है मुश्किल हो जाएगा और जिसको समझ नहीं आएगा वो कैच भी नहीं करेगा। तो आपका मानना है कि लैंग्वेज बैरियर की वजह से वैसे ये बहुत अच्छी बात है हमारी की डाइवर्सिटी है हमारे उसमें, क्योंकि अच्छा है ना कहीं की लैंग्वेज कुछ और है कहीं की लैंग्वेज, लेकिन अगर इसको चलाने की बात करी जाए तो मैं कह रहा हूँ कि इसको थोड़ा सा ऐसा कुछ कैसे, बाकी कुलदीप भैया मेरे से ज्यादा अच्छे से जी जानते जी हैं। आप भी प्लीज क्योंकि हाँ बिल्कुल विर्क भाई ने बिल्कुल सही बात ये की, मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने 24 साल पहले रिमिक्स किया था और मैं आपको बताऊं मैम कि उसके बाद जितनी मेरी आलोचनाएं हुई, मुझे पता नहीं क्या क्या कहा गया कि इसने हमारे हिमाचल के कल्चर का बेड़ा गर्क कर दिया, पर मैं अपने आप को मानता हूँ आलोचनाएं तो होंगी पर मैं इतना मानता हूं कि मैंने कभी भी अपनी बीट के साथ मुजरा तो मुजरे की तरह बजा, जो नाटी जो बजती है हमारी, हाँ मैंने जो छेड़छाड़ की वो लिरिक्स के साथ की, एक दो लाइनें में सुनाता हूं, एक बहुत बड़ा हिट ये गाना हुआ था थोड़ा सा सुना दो, कजरा रे तेरे कारे कारे नैना हाय सावा से शौनी है तेरे कारे कारे नैना, लूट के ले गई निंदिया मेरा छीन के ले गई चैना, आगे पहाड़ी आगे, हाय सावा से शौनी है मेरा छीन के ले गई चैना, तो मैंने वो लिरिक्स में चेंज किया, इससे क्या हुआ कि हमारी नाटियों को फिर हिमाचल से बाहर भी सुनना शुरू कर दिया, तो आज वो दिन दूर नहीं है अब कि हमारी नाटियां पूरे देश में और पूरे विदेशों में चलेंगी, मुझे ये लगता है मेरी अंतरात्मा कहती है इंशाल्लाह। पर कुलदीप जी देखा जाए तो एक आपकी तरफ से पूरा सहयोग है, आप कह रहे हैं कि आप दुबई तक जाके दुबई वाला टूर सबने सुना है, पर आपको क्या लगता है कि लोगों की तरफ से कैसा रिस्पॉन्स है, क्या लोग उतने ही शौक से जितने शौक से सुनते हैं उतने ही शौक से प्रमोट करना चाहते हैं? बिल्कुल, अब मैं पिछले 8-10 साल से बात करूंगा कि पहले हमारे जो लड़के थे जैसे चंडीगढ़ चले जाते थे पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो वहाँ पहले वो शर्म करते थे नाटियों को सुनने की, थोड़ा वो उनको लगता था, आज मैं देखता हूँ कि मैंने कम से कम वहाँ 5-7 बार पंजाब यूनिवर्सिटी में परफॉर्म किया, आज हमारे जो हिमाचल के बच्चे जो बाहर पढ़ते हैं वो हिमाचली नाइट्स करवाते हैं और हिमाचली नाटियों में नाचते हैं, तो ये बहुत अच्छा हो रहा है। हाँ थोड़ा सा मैं ये कहूँगा कि थोड़ा जैसे विर्क भाई ने भी कहा कि यहाँ 10 किलोमीटर के बाद भाषा बदल जाती है, अब रोडू की अलग स्लैंग है, ठेव की अलग स्लैंग है, सिरमौर की अलग है, तो वही है कि जो हम थोड़ा जो पीछे हैं वो इसकी वजह से कि हमारी एक भाषा नहीं है, तो जब ये हो जाएगा जब हमारी नाटियों को मैं कोशिश करूंगा कि और इसको मैं इजी बनाऊं तो वो दिन दूर नहीं है कि पूरी नाटियां हमारी पूरे देश विदेश में चलेंगी। क्या बात है, क्या बात है। अगर बात सरकार की जाए, कोई मांग है, क्योंकि अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में फिल्म सिटी बनाई है और वहाँ के सीएम साहब ने भी कहा है कि पूरा सहयोग दिया जाएगा जितने भी इंडस्ट्री के लोग हैं, तो सरकार से कोई मांग है आपकी? मैं यही कहना चाहूँगा कि हमेशा जब भी होते हैं फेस्टिवल बुलाए जाते हैं आर्टिस्ट, हमारे को सपोर्ट मिलता है, बट मैं ये चाहूँगा कि थोड़ा सा और सपोर्ट किया जाए, मतलब कि जो बाहरी कलाकार जो वो बुलाया जाए, ऐसा नहीं है मैं डिनाई नहीं कर रहा किसी को, क्योंकि कलाकार कलाकार होता है चाहे वो जो भी है, पर ये है कि अगर लोकल को ज़्यादा वो सपोर्ट किया जाएगा ना तो फिर क्या होगा कि जो लोकल आर्टिस्ट है या लोकल टैलेंट है वो दिखेगा सबको सामने, ये सबसे मुझे लगता है कि लोकल वालों को थोड़ा सा ज़्यादा वो किया जाए ताकि वो उभरेगा, क्योंकि हमारे पास हिमाचल में बहुत सारे टैलेंट है। आज की डेट में आप देखेंगे सोशल मीडिया, सोशल मीडिया में हर दूसरी रील वायरल हो रही है और फिर लोगों को पता चला अच्छा ये भी है हमारे हिमाचल में, क्योंकि आज की डेट में अगर सॉन्ग्स भी देखे जाए तो जो ज़्यादातर उठ रहे हैं वो रील से उठ रहे हैं,
क्योंकि कई, और कुलदीप भैया को मैं एक चीज बोलूंगा, कुलदीप भैया के अभी जो बहुत पुराने 2016-17 के सॉन्ग्स है वो आजकल ट्रेंड में चले हैं इंस्टा पे, क्योंकि वो ये बात है कि लोग ने देखना स्टार्ट किया, अब लोगों को पता लगा कि अच्छा ये गाने वाला है, ये सिंगर है, ये डांसर है, ये एक्टिंग करता है, सब कुछ, तो वो सोशल मीडिया के माध्यम से बाहर आया। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं, अगर उन्हें सपोर्ट किया जाएगा। या फिर एक चीज़ और है कि जैसे पंजाब इंडस्ट्री की मैं बात करूँ, क्योंकि मैं पंजाब से थोड़ा वाकिफ हूँ, मतलब तो वहाँ पर ना स्पॉन्सरशिप मिलती है बहुत बड़ी बड़ी, कि हाँ आप गाना गाओ, हम पैसा लगाएंगे। यहाँ पे थोड़ी उस चीज़ की कमी है कि यहाँ पे स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती। अब एक सिंगर अपने कितना लगा लेगा एक वीडियो में, अगर मान लो वो 30,000 ऑडियो में खर्च करता है, 40-50,000 वीडियो में खर्च करता है, तो 80,000 का वो एक बार लगा सकता है, दो बार लगा सकता है, तीसरी बार तो उसका बिहार ही जाएगा मन की नहीं अब तुम मेरे से पैसे। अगर कोई हमारे को ऐसा सपोर्ट करने वाला है कि हाँ तुम लोग ऐसे करो, तुम लोग इस चीज़ में अच्छे हो, करो और आगे बढ़ो, तो एक आर्टिस्ट का वो भी है कि हाँ मेरे को बैकबोन सपोर्ट है तो मैं कर सकता हूँ। बाकी कुलदीप भैया शायद मेरी बात से एग्री करेंगे जी, इस बात पर आप क्या कहेंगे कुलदीप जी? जी मैं यही कहना चाहता हूँ कि मानो कहीं 6 नाइट्स होती हैं, 6 स्टार नाइट्स होती हैं, मानो मंडी शिवरात्रि में 6 नाइटें होती हैं, चंबा मिंजर मेले में 8 नाइटें होती हैं, तो मैं चाहता हूँ कि उसमें कम से कम, मैं ये नहीं कहता हूँ कि इंटरनेशनल मेले हैं उसमें बाहर के कलाकार, तभी वो इंटरनेशनल है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं जब वो बाहर के कलाकार, विदेशों के कलाकार भी आएंगे, पर मैं इतना चाहता हूँ कि कम से कम 8 नाइटें, कम से कम 5 नाइटें हिमाचल के कलाकारों को मिले, तो फिर वो बात बनेगी, फिर सब कलाकारों को मौका मिलेगा, स्टार नाइट करने का भी मिल जाएगा मौका, और जो स्लॉट मिलते हैं स्लॉट में बहुत से कलाकार भी एडजस्ट हो जाएंगे। हाँ इतना ज़रूर मैं कहता हूँ कि मैं हिमाचल सरकार से भी, प्रशासन से भी ये निवेदन आपके चैनल के माध्यम से करना चाहता हूँ कि ज़रूर ऐसा नहीं है कि अब पिछले 8-10 सालों से एक सम्मानजनक राशि हिमाचल के कलाकारों को मिलनी शुरू हो गई है, पर मैं आगे आने वाले समय में उम्मीद करूँगा कि ये और थोड़ा सा, जब थोड़ा बढ़ेगी राशि, तो वो हम क्या कहेंगे कि मानो एक वीडियो में 2 लाख रुपए खर्च होते हैं, 3 लाख रुपए खर्च होते हैं, अगर एक आर्टिस्ट को 5 या 6 लाख रुपए स्टार नाइट करने का मिलेगा, मैं पिछले 24 साल से गा रहा हूँ, मेरा रेट, मैं थोड़ा सा मियाँ मिठू वाली बात हो जाएगी अभी, कि मुझे अभी सबसे ज़्यादा रेट प्रशासन से मिलता है, तो मुझे भी अभी जो मैं रेट बोलता, मैं अमाउंट वो डिस्क्लोज नहीं करूँगा, मेरे को नहीं लगता अंदर से कहीं कि यार वो थोड़ा सा लगता है कि नहीं सम्मानजनक नहीं है जितने गाने मैंने गा रखे हैं, तो मैं यही चाहता हूं सरकार से भी, प्रशासन से भी, कि थोड़ा सा हो, फिर हम अपने हिमाचल के कल्चर के लिए हम काम करेंगे। मानो किसी वीडियो में जब मैं 3 लाख रुपए तब लगा पाऊंगा ना, जब मुझे 5 लाख रुपए एक स्टार नाइट करने के मिलेंगे, तभी तो मैं अपने कल्चर को प्रमोट कर पाऊंगा। अब जब मुझे पैसे है कि कम मिलेंगे, हाँ इतना जरूर कहता हूँ कि थोड़ा सा कि बाहर, जब मैं बाहर हिमाचल से बाहर जाता हूँ, तो वहाँ लगता है कि यार, लगता है कि स्टार वाली फीलिंग आ जाती है, वहाँ जो उत्तराखंड में जाऊँ, पंजाब में जाऊँ, तो वहाँ जो अमाउंट मिलता है, मैं अपने मुँह से जो बोलता हूँ वो मुझे वहाँ से मिल जाता है। तो प्रशासन से, सरकार से तो हम नहीं बोल सकते, अभी आपके माध्यम से बोल सकता हूँ कि बस आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, प्रशासन भी, हिमाचल सरकार भी, तो मैं आप लोगों से यही निवेदन करूँगा कि अब मैं तो 45 साल का हो गया हूँ, हम तो कितना 10 साल गाएंगे, पर आने वाली जो हमारी पीढ़ी है, जो कलाकारी जो कर रही है, उनके लिए अच्छा हो जाए। क्या बात है, इस बात पे तालियां तो ज़रूर बजनी चाहिए, मुझे लगता है बहुत बड़ा थॉट है ये। इतनी स्ट्रगल करने के साथ भी आप इनके चेहरे की मुस्कान देख सकते हैं, यही पॉजिटिविटी है। और ऑडियंस में आप लोगों को देखने के लिए आज बहुत सारे लोग आए हैं, और बहुत सारे जो है कॉलेज के स्टूडेंट्स, जिन्होंने कहा था कि कुलदीप जी से और इकबाल जी से जो है सवाल जवाब का सिलसिला ज़रूर होगा। तो मैं एक बार टीम से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ माइक दिए जाए, और किसी का भी कोई सवाल है तो फील फ्री टू आस्क। हेलो, किसका सवाल है? हेलो सर, मेरा नाम रिदुल वर्मा है। सर मेरा आपसे एक ही क्वेश्चन है कि सर इस मुकाम तक पहुंचने के लिए आपको किस किस मुश्किलों का सामना करना पड़ा, और क्या चीज आपको इंस्पायर करती है सर? मतलब मैं आपको बताऊं भाई कि मैं आज से 26 साल पहले जब मैं SD कश्यप जी के पास गया, तो वहाँ स्टूडियो का काम चला था, तो मैंने पहला एल्बम गाने के लिए मैंने वहाँ 6 महीने गुरुकुल में सेवा की, स्टूडियो बन रहा था, तो बजरी रेत उठा उठा कर हमने पीठ में छाले पड़ गए थे पीछे, तब जाके मुझे 3 गाने का वहाँ पर ब्रेक मिला। आज तो गाना बजाना बड़ा आसान हो गया, उस समय लाइव गाना पड़ता था, शायद थोड़ा मियाँ मिठू वाली बात है, अगर आज मैं अपने आप को थोड़ा सा कहीं सक्सेस महसूस करता हूँ कि सफल हूँ, तो उसके पीछे यही कारण है कि एक गाने की रिकॉर्डिंग में 4 दिन लग जाते थे, एक गाना। आज तो गाना इतना इजी हो गया कि ट्रैक बने हैं, सिंगर जाता है फटाफट गा के आ जाता है, और जब वो स्टेज पे गाता है तो वो बात नहीं बनती है,
क्यों बनेगी वो बात, क्योंकि उसमें मेहनत तो की नहीं है। तो यही है कि स्ट्रगल की अगर बात करूं, मैंने 10 रुपए, मतलब आपकी बात करूं कि 10 रुपए दिहाड़ी भी की है, और मैं हर मंच पे भी कहता हूं, आज आपसे सामने भी कहता हूं कि मैं 12वीं में 3 बार फेल हो गया, क्योंकि मैंने 10वीं में आकाशवाणी शिमला से गाना शुरू कर दिया था, पढ़ाई मेरी वहां रह गई। पर आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूं कि कुलदीप शर्मा की इस बात को आप लोग जो नई जो जनरेशन है, ये मत लेना कि मेरी नई अपार लग गई पढ़ाई लिखाई की वजह से, जो नहीं कर पाया मैं उसकी वजह से जो मुझे फेस करना पड़ता है, तो वो मैं जानता हूं। पढ़ाई लिखाई करना भी जरूरी है, पर अगर स्ट्रगल की आपने बात की, भाई मैं इतना स्ट्रगल किया है कि मैंने पहला जो प्रोग्राम किया था मैडम, उसके उसका मेहनताना मुझे 200 रुपए मिला था। तो आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि 200 रुपए से अब जाके कहीं, उस अमाउंट को हम बात नहीं करेंगे कहां तक पहुंचे, पर यह कि शुरुआत 200 रुपए की दिहाड़ी से हुई थी। तो स्ट्रगल तो हर क्षेत्र में करना पड़ता है, अगर आप स्ट्रगल नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, एक थोड़ा सा एक बात, अगर समय है तो मैं थोड़ा सा एक मैसेज और देना चाहता हूं कि कुलदीप शर्मा एक ऐसा सिंगर था कि मैंने जब मैं हिट हुआ भाई स्ट्रगल के साथ साथ, तो मैंने पीना भी शुरू कर दिया। आज मैं परमात्मा को हाजिर नाजिर मान के इतने लोगों के बीच ये कहता हूं कि मुझे पूरे 24 साल हो गए हैं, मैं किसी भी प्रकार का कोई नशा नहीं करता हूं। हमें नशा मुक्त हिमाचल बनाना है, नशा मुक्त देश बनाना है। हिमाचल प्रदेश देवी देवताओं की भूमि, हर मंच पे मैं कहता हूं, अगर झूठ कहूं तो परमात्मा मेरी आवाज छीन ले सदा के लिए, जिसने जिस आवाज ने मुझे आज ये सब कुछ दिया है। मैं यही निवेदन करता हूं कि नशा मुक्त हिमाचल बनाएंगे, नशा मुक्त देश बनाएंगे। स्ट्रगल तो मेरे छोटे भाई हर क्षेत्र में करना पड़ेगा। वक्त बहुत कम है, पर एक आखिरी सवाल हम चाहते हैं कोई लेना चाहे तो प्लीज। हेलो सर, मेरा नाम अक्षय ठाकुर है और मेरा ये सवाल है आपसे कि आप म्यूजिक इंडस्ट्री में कैसे आए? मैं सबसे पहले, मेरे घर पे एक म्यूजिक का माहौल था, मेरी माता स्वर्गीय बेगी देवी शर्मा हिमाचल प्रदेश की ऑल इंडिया रेडियो की आर्टिस्ट थी, और जो मेरे पापा थे वो थिएटर के कलाकार थे, तो अब वो दोनों ही नहीं है। तो उनको देख देख के मुझे शौक पैदा होता था। मैं जब मैं अपनी 7th क्लास में पढ़ता था, 7वीं क्लास में पढ़ता था, तो मैं अपनी माता को देखता था कितना अच्छा गाते हैं, मेरे पापा कितनी अच्छी एक्टिंग करते हैं, तो वहीं से वो मुझे भी कलाकार बनने का शौक हुआ। तो मैंने अपनी मम्मा को कहा कि माता जी मुझे भी गाना है, तो मेरी माता ने मुझे, मैं 16 साल का उस समय था जब मैंने, मेरी माता जी ने मुझे ऑल इंडिया रेडियो में, यहीं पर आपके साथ में ही है, तो वहाँ मैंने जब पहला ऑडिशन दिया, तो उस समय क्या होता था कि 18 साल में पास होते थे, दिल्ली से एक जज आए थे, मैंने वो हाई स्केल में इतना अच्छा गाया कि उन्होंने बोला कि यार इस लड़के को कर दो रिकॉर्ड, यार इमीडिएट रिकॉर्ड कर दो। तो मैं 3 गाने मेरे और आकाशवाणी शिमला से शुरू हो गए थे, मुझे एक घर पे ही ऐसा माहौल मिल गया था कलाकारी का कि फिर वो मैं कलाकार ही बन गया। उसके बाद कलाकारी के सिवा मैं कुछ भी नहीं कर पाया। धन्यवाद, माफ़ी चाहते हैं। सवाल जवाब का सिलसिला यही ख़त्म होता है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने अपना कीमती वक्त निकाला और आप यहाँ आए, और आप दोनों ही हिमाचल के कल्चर के लिए, संस्कृति के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। ओवर टू यू सीमा। महत्वपूर्ण था ये सेशन, बहुत ज़्यादा अहम था, क्योंकि ये कलाकारों का सेशन था, क्योंकि ये उस इंडस्ट्री का सेशन था जो हम सभी को मनोरंजन के लिए काम करते हैं हमारे लिए। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण ये पूरा सेशन रहा है, जिसके लिए सोनाली आपका बहुत शुक्रिया। हालांकि अब वक्त है आगे बढ़ने का, सेशन में हम आगे बढ़ेंगे और ये सेशन भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट